बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन, जी हाँ जया बच्चन जो कि भोपाल की रहने वाली थी और वहाँ के प्रसिद्ध पत्रकार तरुण कुमार भादुड़ी की बेटी जया भादुड़ी थी। उसके बाद वे फिल्मों में सक्रिय हुई और फिल्मों के माध्यम से उनकी पहली फिल्म आई गुड्डी। गुड्डी के बाद उनका संपर्क हुआ अमिताभ बच्चन से और अमिताभ बच्चन और वे दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इसके बाद जया बच्चन का राजनीति में प्रवेश हुआ और जब राज्यसभा में उन्होंने अपनी सदस्यता का फॉर्म भरा तो उसमें जो संपत्ति उन्होंने घोषित की वह थी 1,000 करोड़ रुपये। जी हाँ, उन्हें सबसे अमीर सांसद होने का दर्जा मिला और वे सबसे अमीर सांसदों की श्रेणी में पहले नंबर पर आ गई। जी हाँ, उनकी चल अचल संपत्ति 1,000 करोड़ की बताई जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि जया बच्चन के परिवार में उनकी जो बहू है ऐश्वर्या राय बच्चन, वे भी बेहद पैसे वाली हैं। उनके अपने खुद के बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा हैं। इसी तरह अमिताभ बच्चन की अपनी संपत्ति है, अभिषेक बच्चन की अपनी संपत्ति है, लेकिन जया बच्चन द्वारा जो खुद की संपत्ति का उल्लेख किया गया है वह है 1,000 करोड़ रुपये। जी हाँ, 1,000 करोड़ रुपया अगर कोई नागरिक कमाना भी चाहे तो उसे जाने कितने जन्म लेना पड़ेंगे, लेकिन जया बच्चन 1,000 करोड़ की मालिक है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।